हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्यूब में। तो दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपके व्हाट्सएप में ब्लू टिक शो नहीं हो रहा तो वो कैसे शो करेंगे, उसकी एक मैंने सेटिंग बताई थी। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप के ब्लू टिक को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो मतलब किसी ने अगर आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा तो आप उसका मैसेज तो पढ़ लोगे, लेकिन सामने वाले को जो ब्लू टिक शो होता है पढ़ने के बाद वो शो नहीं होगा। आप उसे हाइड कर सकते हैं एक सेटिंग से। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं दूसरों का आया हुआ मैसेज पढ़ लूँ लेकिन सामने वाले को पता नहीं चले और ब्लू टिक शो ना हो सामने वाले को, तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आप अपने व्हाट्सएप से ही एक सेटिंग करके कैसे ब्लू टिक को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कोई आपका फ्रेंड है स्मित करके, वो आपको मैसेज भेज ही कैसे हो। देखिए, जैसे मैंने अपने दूसरे फ़ोन के व्हाट्सएप से लिखा है ही कैसे हो, अब मैं मैसेज भेजूँगा। अब देखिए, वो मैसेज मेरे पास आ चुका है। ये देखिए, ये मैसेज मेरे पास आ चुका है और मैंने ये रीड करा है ही कैसे हो। तो आप देखिए, ये सामने वाले, जैसे ही मैंने सामने वाले का मैसेज पढ़ा तो दूसरा जो व्हाट्सएप से मैंने आपको मैसेज भेजा था स्मित नाम से, उसको ब्लू टिक शो हो चुका है। ये देखिए, अब मैंने दूसरे फ़ोन से स्मित के नाम से जो मैंने मैसेज भेजा था आपको, तो उसके दोनों ब्लू टिक शो हो चुके हैं। मतलब इसका ये है कि आपने वो मैसेज रीड कर लिया है। अब हम ये दिखाएंगे कि आप वो जो ब्लू टिक है वो आप पढ़ने के बावजूद कैसे। तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में जाएंगे, उसके बाद जो टॉप में थ्री डॉट दिख रहे हैं उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अकाउंट में जाएंगे। अकाउंट में जाने के बाद आप प्राइवेसी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब ये जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है रीड रिसिप्ट, उसको आप डिसेबल करेंगे, मतलब ऑफ़ कर देंगे। तो मैंने इसे ऑफ़ कर दिया है। अब मैं वापस व्हाट्सएप में बैक करूँगा। अब आप देखिए, मैं वापस दूसरे व्हाट्सएप से ही कैसे हो मैसेज भेजता हूँ। ये मैंने मैसेज भेजा और इस व्हाट्सएप में आया है। अब चल, अब मैंने ये मैसेज रीड कर लिया है। अब देखते हैं ब्लू टिक शो हो रहा है उसके मोबाइल में या नहीं। तो ये देखिए, मैंने अपने फ़ोन में इनका मैसेज पढ़ा है। तो आपको अपने व्हाट्सएप में सिंपली एक सेटिंग को डिसेबल करना है, उसके बाद वो ब्लू टिक हाइड हो जाएगा। मतलब दूसरे को आपका ब्लू टिक नहीं दिखेगा, आप उसका मैसेज पढ़ भी लोगे लेकिन दूसरे वाले को ब्लू टिक शो नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।